मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में मंडल खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक आयुक्त सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि मंडल खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के तहत मंडल खेल का आयोजन नवंबर माह के पहले सप्ताह में करवाया जाए, जिसमें मुख्य रूप से वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल की प्रतियोगिता आयोजित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए तहसील व ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिता कराकर प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित कर आगे बढ़ाना व स्कूल कॉलेजों में खेलों को बढ़ावा देकर प्रोत्साहित किया जाए। गरीब खिलाड़ियों को खेल सामग्री उपलब्ध कराकर आगे बढ़ाया जाए। खेल हेतु जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके। बॉक्सिंग खिलाड़ी के लिए बॉक्सिंग हॉल निर्माण के लिए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर, नंदू मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मंडल ओलंपिक संघ के आप सेक्रेटरी भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, तो ये उनसे जुड़ा है और आपने ये प्रॉमिस किया है कि हम इस जो मंडल के स्पोर्ट्स हैं उसकी जो कॉम्पिटिशन्स होंगे उन्हें स्पॉन्सर करेंगे, जो भी खर्चा आएगा उसको बियर करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उससे जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से बहुत लगाव है, तो हमें ये बहुत हमारे पास अवसर है कि हमारे जो कॉम्पिटिशन मंडल के होने वाले हैं जिसको हम आज डिसाइड करेंगे, हमारे आपके निर्देशन में जैसे आपने पहली बैठक में निर्देश दिया था उसका हमने अनुपालन करते हुए सर जो कॉम्पिटिशन यहाँ कराए, खिलाड़ियों को उसमें गेस्ट रूप में बुलाया और उन्हें हमारी बताया है, स्विमिंग का कंपटीशन कराया है, अभी कुश्ती का कंपटीशन कराया है, कबड्डी का कंपटीशन कराया है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे एथलेटिक्स कंपटीशन कराया, ये प्रमोशन कमेटी से सारा खर्चा प्रमोशन कमेटी ने बियर किया है। सर प्रमोशन कमेटी में जो भी है बियर वो ऑन हम कोई भी दान देते हैं वो उसमें आता है या जो भी रिसोर्सेज से पैसा आता है उसका डायरेक्ट कोई ये नहीं है कि उसमें, तो ये भी अनुरोध करना है कि जो भी इसमें वॉलंटरीली शौक के साथ में इसमें इस समिति की निधि को बढ़ाने के लिए पैसा दे सकते हैं तो वो भी अपना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें ताकि हमारी समिति का फंड हो और इसके ज़्यादा से ज़्यादा हम खेल आयोजन करा सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपने बैडमिंटन हॉल और कुश्ती हॉल की दशा को सुधारने के लिए GDA के माध्यम से हमारे 1,40,00,000 की लागत से जो है आपने रिनोवेशन किया, उसके लिए हम सभी लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर दूसरा चीज़ें देखिए, यहाँ जितने भी स्पोर्ट्स के लोग इन्वॉल्व हैं, मेरा अनुरोध है आप लोगों का, देखिए जब इतने बड़े अमाउंट का जो स्वीकृति होता है उसका क्वालिटी का मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी होती है सर। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो कृपया मैं स्पोर्ट से जुड़े हुए सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जो भी बन रहा है उसका क्वालिटी ये वन होना चाहिए। कल एक बार की पैसा एक ही बार लग पाता है, सरकार के माध्यम से जो भी काम होगा उसका सदुपयोग ना हुआ उसे सब बेकार हो जाएगा, तो कृपया इसका क्वालिटी एक बार आप स्वयं और आपकी पूरी टीम के साथ एक बार जा करके जो भी चीज़ बन रही है, जो भी जिस आदमी को भी ठेका मिला हुआ है जो कर रहे हैं उसको एक बार सही तरीके से देख करके आप इसका क्वालिटी मेंटेन करवा। RES बना रहा है तो एक सुविधा वो मिल जाएगी, दूसरी सुविधा बैडमिंटन और इसकी वॉलीबॉल की फील्ड लाइट की दे दी गई है बच्चों को, रात में प्रैक्टिस हो रही है, ये भी प्रमोशन कमेटी के माध्यम से हुआ है। तो सर ये दो जो एक हमारा और इशू रह रहा है सर, जो वहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, जो कॉम्पिटिशन होते हैं तो बच्चे बहुत सारे उसमें नहीं सफिशेंट है उनके पास, तो उसके लिए भी हम लोग लगे हैं, PM सर ने प्रॉमिस किया है उसको भी कराने के लिए। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी लेके आई है और न्यू राइज गेम है बॉक्सिंग का, तो एक बॉक्सिंग हाल में सर जरूरत महसूस की जा रही है, तो हम सर ये अनुरोध करेंगे इसी पर अगर किसी योजना के माध्यम से, जैसे मैं MP साहब चाहूँ कि सर यहाँ पर जो हमारे बहुत 5 स्टेट लेवल के टूर्नामेंट अभी खेल विभाग ने यहाँ अलॉट किए हैं, अभी 10 और 11 तारीख को सेप्टेम्बर की स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रही है, 17, 18, 19, 20 सेप्टेम्बर को स्टेट लेवल के महिला खेल होने जा रहे हैं, जिसमें बास्केटबॉल और हैंडबॉल की 18 मंडलों की टीमें भाग लेंगे, अराउंड करीब 700 खिलाड़ी सब भाग लेंगे महिला। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी हम लोग की, मैं दो डॉक्टर अनुज है, फॉर लास्ट 15 ईयर्स सर हम लोग करीबन 400 बच्चों को हम लोग कहते थे सर कि इसमें डिफरेंट जो अपकमिंग गेम्स है जैसे एथलीट्स है वो चाहते थे कि ये गोरखपुर से ऊपर निकालने के लिए, तो सर जब तक ये मंडली लेवल पे नहीं होंगे तब तक पॉसिबल नहीं। कुश्ती के लिए तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स में है ही है, इसलिए उनका हो रहा है, बाकी और
तो बाकी तीन तैराकी के लिए मैं कहना चाहूँगा सर,